यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये है हमारी खास पेशकश देश की आवाज, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप जनता दर्शक हमें अपनी राय पहुंचाते हैं। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी, जी हां, इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 7 नवंबर 2014 को वाराणसी गए और वहां से दशावमेघ घाट से फावड़ा लेकर गंगा सफाई अभियान शुरू किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गंगा नदी की सफाई बीजेपी के एजेंडे में शामिल थी, लेकिन आज करीबन 4 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी गंगा में गंदगी की कमी नहीं आई है। जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर वर्ष 2018 के अंत तक गंगा को निर्मल बनाने का काम पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन 2018 को खत्म होने में मात्र 4 महीने बाकी हैं। लेकिन गंगा के हालात जस के तस ही बने हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड फंड की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट में गंगा को दुनिया की संकटग्रस्त नदियों में से एक बताया गया। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक, गंगा के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं, जिनके बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा लगातार विलुप्त होने की कगार पर पहुंचती जा रही है। यदि गंगा विलुप्त हो जाती है तो उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक 10 लाख किलोमीटर से अधिक जमीन बंजर हो जाएगी और देश के सामने भयंकर खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की एक रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार की नमामि गंगे परियोजना पर बड़ा सवाल उठा दिया है। आखिर 4 साल बाद करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा अविरल क्यों नहीं हुई, इसका जवाब सरकार को देना होगा। देश की आवाज में आज इसी मुद्दे पर जनता की राय, कब और कैसे साफ होगी नदी। विलुप्ति के कगार पर गंगा पहुंच चुकी है, यह आज के सवाल है। गंगा दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। नमामि गंगा परियोजना पर सवाल उठे, आज के सवाल, विलुप्ति के कगार पर गंगा नदी। गंगा दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक, वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा। नमामि गंगा परियोजना पर उठे बड़े सवाल, कब तक होगी गंगा नदी साफ, क्या कर रही है केंद्र सरकार, आखिर कब होगा मोदी सरकार का चुनावी वादा पूरा, नमामि गंगा का बजट कहां इस्तेमाल हो रहा है। जी हां, ये आज के सवाल है जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। गंगा क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक आज मानी जा रही है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। हालांकि यही वो नदी है जिसके हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव जिताने में हाथ रहा है। गंगा नदी के सौगंध खा के गंगा को गंदा आज कर दिया गया है। गंगा को साफ करने की मुहिम लगातार चलाई जाती है, सरकारें दावा करती है, लेकिन फिर ये जो रिपोर्ट है क्या वो गलत है, ये सरकारों के वादे झूठे हैं। आज इसी पर आज हमारे सवाल है जिन पर जनता हमें अपनी राय दे सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। रणवीर मान पानीपत से पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? मैडम जी नमस्कार जी। मैडम जी 2014 के अंदर बीजेपी जो भी वादे करके आई थी जी, चाहे वो गंगा सफाई का वादा हो, फिर राम मंदिर का वादा हो, फिर जम्मू कश्मीर को स्थिति सुधारने का वादा हो, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने का वादा हो, इन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। आज देश पता नहीं किस हालात में गुजर रहा है।
परमात्मा ही जानता है। और जो राज हमने भी सिपाही का जो फंड था वो तो सबको पता, मैडम जी सब नेताओं की जेब में जा चुका है। अब ये हर चीज तो कहते हैं कि ये काम 2022 में करेंगे, 2022 में तो ये जब करेंगे जब जनता ने वो दोबारा छोड़ेंगे। मैडम जी मोदी जी ने बिल्कुल देश को धोखा दिया है और पता नहीं देश कैसे चले गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या हमें धोखा दे रही है, सचमुच इसमें संशय बना हुआ है। क्योंकि गंगा नदी वो पवित्र नदी जिस पर सौगंध खाकर लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं, डुबकी लगाकर अपने पाप धुलवाने की बात कहते हैं, आज वही गंगा जिसका पानी गंदा हो चुका है। चुनावी वादा ये किया गया था गंगा नदी को साफ किया जाएगा, लेकिन कब होगा? इसी के साथ अगले दर्शक सुमित मोदी नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? मेरी ये राय है कि जो प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना जो चुनाव अभियान में ये कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और इनकी जो उमा भारती थी मंत्री उन्होंने दावा भी किया था 18 तक सन अभी और 19 तक हम साफ कर देंगे, इतना साफ कर देंगे, इतने इलाके साफ कर देंगे। अब उनको हटा के गडकरी को लाए जिनको बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं वो पुल बनाने वाला डैम वो सड़कें बनाने वाला बना महाराष्ट्र में घोषित थे, ना वो कुछ कर पाए, ना मोदी कुछ कर पाए, ना वो कुछ कर पाए, तीनों तो कुछ कर नहीं पाए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये परियोजना 30 साल से चल रही है, ये तो राजीव गांधी के समय चल रही है गंगा सफाई, तब भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए आए, तब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ। तो इनमें अंतर क्या रहा जो मोदी सरकार ये जो वादा करके लाई थी कि हम अच्छा करेंगे, उनसे बेटर करेंगे? और इसमें राहुल गांधी जो है वो उनकी सरकार पुरानी 10 साल की जो कांग्रेस की तरह वो भी जिम्मेदार है, राहुल गांधी को इसमें जवाब देना चाहिए। क्यों चुप है राहुल गांधी, उनके सहयोगी राजदीप, उनको शर्म आनी चाहिए चुप रहने पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बुलंद आवाज में इस राय को आपने रखा कि पिछली सरकार भी तमाम वादे करते आई है, गंगा की सफाई के लिए कस्में खाती आई है, तमाम बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गंगा की सफाई आखिरकार क्यों नहीं हुई? अगले दर्शक सतपाल हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? हमारी है गंगा साफ नहीं होती जी। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, मध्य प्रदेश से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है दिनेश आपका खबरें अभी तक पर। आपकी क्या राय रहेगी? थैंक यू दीपशिका जी। जी जीवन दायिनी मोक्ष दायिनी हमारी गंगा मैया, गंगा मैया पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा हुआ है, हमारी सरकारें पुरानी घटिया तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, इसके सफाई अभियान में देशवासियों को उस तकनीक को हाईटेक बताया जाता है, हमारे प्रधानमंत्रीगण विदेशों की अरबों खरबों की यात्रा करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये क्या लेकर आते हैं वहां से और क्या देकर आते हैं? मनमोहन सिंह जी ने 125 से ज्यादा देशों की यात्रा की थी और अब तो अपनी यहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कितनी बार गए ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। गडकरी जी के वक्तव्य को मैंने खबरें अभी तक पर देश की आवाज में उन्होंने उसी दिन चुनौती दी थी, स्पष्ट कहा था, मुझे इस पर पूरी शंका थी और वो सामने आया है। इनकी नीतियां बेईमानी है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनको इस बात की कतई चिंता नहीं है, ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी इनके बांध और अभी परियोजनाएं उस दिन भी मैंने स्पष्ट कहा था, इनके पारदर्शिता पूर्ण स्पष्ट ईमानदारी से कोई वो नहीं है, सिर्फ देश को प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जरूरत है जिनका आज अभाव है। जब तक ऐसे लोग ईमानदारी से आगे या नहीं आएंगे तब तक कोई भी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को देश को देशवासियों को लाभ नहीं मिल सकता। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले दर्शक दीप नारायण लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? मैडम हमारी राय ये है कि कहते हैं जितने भी कहते हैं योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो शुरू की जाती हैं
ये उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो इनके खास कहते हैं खास तरीके के इनके जो आदमी होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ऐसे लोगों को, और ना ही इनके ऊपर कोई जांच की जाती है बाद में कि ये योजना जो चलाई गई इसमें इतना पैसा कहाँ लगा, किस काम में लगा, और कहते हैं ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और सवाल ये सचमुच बनता है कि आखिरकार जो बजट लगातार पास किया जा रहा है वो जा कहां रहा है। अगली दर्शक दीपशिखा हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुकी है। स्वागत है दीपशिखा आपका खबरें अभी तक पर, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जो ये गंगा है हमारी, ये ऋषिकेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है, और वहाँ पे सरकार ने बहुत सी बस्तियां बनाई है जहाँ पे शौचालय नहीं है। हर जगह शौचालय बनाए गए सरकार की तरफ से, मगर ऋषिकेश में शौचालय नहीं बनाए गए, जिस वजह से गंगा मैली हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दीपशिखा हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपनी राय रखी। इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं, दिनेश जो कि नरवाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश स्वागत है आपका भी खबर अभी तक पर, आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? नमस्ते मैडम जी। जी हेलो। जी नमस्ते मैडम जी। जी ये ऐसा है जी, ये तो छोटा सा मुद्दा है, ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गंगा वाला इसने ये हरियाणा के अंदर इसने मोदी साहब ने यशपाल मलिक को भेज कर 8-9 हजार की लड़ाई करवाई दी, और फिर अब आंदोलन कर रहे हैं दोबारा, फिर बोला वो कर रहे हो, और इसने पैसे देकर दूसरे खड़े कर दिए, वो आंदोलन करने लग रहे हैं, बोला यशपाल मलिक पीछे खा गया। ये मुद्दों को भटकाने के लिए हरियाणा को बर्बाद करने लग रहे हैं जी, पूरी तरह से है जी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ पर मंथ पर साल हम नौकरी देंगे, एक भी नहीं दी, 10 करोड़ आदमी लग रहे थे, 2 लाख पर मंथ पर साल इसने कहे थे अपने। तो आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो है वो गंगा नदी का जो विषय उनके द्वारा उठाया गया था, क्या उसमें सफल हो पाई है या नहीं? करा क्या इन्होंने जी? बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी भावनाएं भी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर गंगा नदी की बात हो रही है तो सरकार की कार्यों की भी बात होगी जाहिर से, क्योंकि गंगा नदी को पवित्र नदी तो जहां पर माना ही जाता है, वहीं साथ में गंगा को साफ करने के तमाम वादे भी सरकारों के द्वारा किए ही जाते हैं। अगले दर्शक सोनू शुक्ला अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू शुक्ला स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? हेलो जी मैम जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो गंगा नदी की सफाई हो रही, ये जो सफाई हो रही, सफाई में तो सरकार तो कुछ कर ही रहा है, फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा गलती कुछ जनता का भी है जी। जनता चाहे कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि मान लो हम जो कूड़ा करकट जो कुछ बाहर रहे हैं, कुछ इस पे भी अभी यूपी सरकार ने जो प्लास्टिक बंद किया है जी, अभी इन्होंने बहुत बढ़िया किया, अभी ये पूरे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे यहाँ कितनी नुकसान हो रही है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बहुत ही एक सही बात कही गई है कि सरकार की जितनी जिम्मेदारी होती है उससे ज्यादा भागीदारी जनता की भी होती है, क्योंकि सरकार सिर्फ गंगा को सफाई के लिए कदम उठा सकती है, लेकिन जनता खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर गंगा को साफ रखने का संकल्प ले सकती है, लेकिन बावजूद इसके जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आती है। सरकार तो क्या कहने, क्योंकि दर्शक ही सरकार की जो कहानी है वो बयां कर रहे हैं। गंगा नदी पर जो रवैया है जनता का ही सरकार का ही, वो दोनों यहां पर बयां हो रहा है। अगले दर्शक कृष्ण त्रिपाठी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? मैडम जिस वादों को लेकर ये सरकार आई थी भाजपा, लोगों में एक जागृति आई थी कि शायद अब कुछ होगा, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को बताया, हमको भी ये आस जगी कि शायद जो आज तक नहीं हुआ है गंगा के लिए वो अब होगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। करोड़ों अरबों रुपए जो है आम लोगों की जो भी कमाई है टैक्स का पैसा, उसको ये बहा दिया जाता है, और कोई प्रारूप ये तैयार करते नहीं है जिससे समय सीमा में ये काम हो सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक के पास चलेंगे, धर्म सिंह जो कि सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपने क्या राय रखना चाहेंगे? मेरा ये कहना है गंगा सफाई पर कि मानव व्यवहार से ही बेईमान और कामचोर है जी। पूरी सभ्यता ही इस पर आधारित है, इस सिद्धांत पर। जो भी योजनाएं बनाते हैं, ये जो आदमी बेईमानी का स्वभाव है, ये रास्ते में रोड़ा बनता है। इस कारण कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। इस पर सख्ताई से कानून लागू किया जाए तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। गंगा नदी को अगर साफ करना है और लोगों को जागरूक करना है तो इसके लिए ऐसा हमारे दर्शकों की राय है। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। अगले दर्शक कानपुर से सैमूर अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? जी मैडम, ऐसा है कि जी नमीन गंगे अरविल गंगे का जो काम किया गया था, ये हमें कहीं काम होते दिखा नहीं। और मोदी सरकार ने चुनाव से पहले भी वादे किए थे, चुनाव के बाद भी हमारे कानपुर में उमा भारती जी आई और तमाम लोग आए, लेकिन कहीं भी सफाई के नाम पे कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ वादे किए गए। और आज भी गंगा मैली दिख रही है, कहीं भी साफ नहीं नजर आ रही है, सिर्फ वादे ही वादे किए गए। जी जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक भिवानी से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे जी गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे हुगली हो, चाहे कोसी हो, जी इन नदियों को गंदा करने में, खराब करने में हम लोगों का हाथ है। सरकार किसी चीज को गंदा नहीं करती, हम खुद गंदा करते हैं जी। दूसरी बात मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा कि नमामि गंगे इन चीजा ने छोड़ के ना, आज नमामि माँ भारती, देश बचेगा तो सब चीजें बचेगा। सफाई बहुत घनी करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार की सफाई करनी पड़ेगी। ये हमारे जो युवा है इनके दिमाग सजे जा रहे हैं, ये अनैतिक होते जा रहे हैं, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। बढ़ती बेरोजगारी है, इसमें काम में बदलना पड़ेगा, इस बेरोजगारी की सफाई करनी पड़ेगी। या जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई बहुत करनी पड़ेगी, नहीं तो गंगा गंगा कर दे रहे हो, देश उजड़ जाएगा। धन्यवाद। तो बहुत ही एक अच्छा संदेश दर्शक के द्वारा दिया गया कि गंगा नदी की जो महत्वता है वो भी अपनी जगह है, लेकिन अगर गंगा को साफ करना है तो सबसे पहले सोच की सफाई करनी होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, दर्शक हमारे साथ तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं, देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश की आवाज वो मंच प्रदान करता है जहां पर दर्शक हमें अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं और वो आवाज महकमे तक जाती है, जनता तक जाती है। इसी के साथ अगले दर्शक राहुल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। आपकी क्या राय रहेगी राहुल? आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन सवाल जस के तस है। विलुप्ति के कगार पर आज गंगा पहुंच गई है। गंगा दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से आज एक मानी जा रही है, क्योंकि खुलासा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट में, जहां पर गंगा को विलुप्त होती नदियों की कगार पर रखा गया है। नमामि गंगे परियोजना पर इस रिपोर्ट के बाद अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं, और सवाल ये कि आखिरकार कब तक गंगा की सफाई होगी। अगले दर्शक राम प्रसाद अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? मैडम राम प्रसाद तिवारी बोल रहा हूँ जी, अंबाला से जी। जब तक आम जनता जी नहीं चाहेगी गंगा माँ को साफ करना, तब तक कोई भी सरकार गंगा माँ को साफ नहीं कर सकता है जी। सबसे बड़ी समस्या है लोग अपने ही हाथों से जी पूजा की सामग्री जी, मरे हुए जानवर, पोलोथीन, सबसे बड़ी परेशानी जो है पोलोथीन की है जी। पोलोथीन की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, लोग अपने ही हाथों से माँ गंगा को गंदा कर रहे हैं। सिर्फ सरकार को दोषी ठहरा के किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। मेरा यह जो है अपना राय है गंगा माँ को लेकर जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बहुत अच्छी राय रखी गई है कि सरकार इसमें तभी काम कर पाएगी अगर जनता अपनी जिम्मेदारी समझेगी, क्योंकि जनता भी उतनी ही भागीदार है जितने की सरकार जिम्मेदार है। आज के सवाल है, विलुप्ति के कगार पर गंगा पहुंच चुकी है। गंगा दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से आज एक नदी बन गई है, जिसका कि खुलासा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट में। जी हां, वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, जहां पर नमामि गंगे परियोजना पर आज सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये कि आखिरकार गंगा नदी कब तक साफ होगी, ये सवाल है आज के। आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने वादे में, अपने मैनिफेस्टो में गंगा का नाम जरूर शामिल किया था। मोदी सरकार का जो चुनावी वादा था वो कब तक पूरा होगा, ये भी सवाल है। नमामि गंगे का बजट कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा सवाल इसी के साथ बन जाता है। अगले दर्शक राजीव इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? जी, हम इलाहाबाद से बात कर रहे हैं। हमने कहा कि क्या इलाहाबाद से कोई रिपोर्टर है कि नहीं? जी, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है, हम वो थोड़ा सा वो चैनल पे मतलब। तो दर्शक जो है अपनी जो परेशानियां हैं जानना चाहते हैं कि खबरें अभी तक की पहुंच कहां कहां तक है। खबरें अभी तक जहां पर देश के कोने कोने से आज हमें कॉल्स आ रहे हैं, और कॉल्स आकर लोग हमें अपनी एक एक परेशानी बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है हमारे कार्यक्रम पर, उन्हें भरोसा है देश की आवाज पर, क्योंकि जानते हैं कि देश की आवाज एक वो मंच है जहां पर उनके परेशानियों को महकमे तक, जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इसी के साथ आज का भी मुद्दा हम आपको बताते चले, गंगा नदी जो कि विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है, इसी पर ही आज का सवाल है। नमामि गंगे परियोजना पर इसी के चलते सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार को दोषी मानना सही है, क्योंकि जनता भी इसमें खुद उतनी ही भागीदार होती है। गंगा कब तक साफ होगी, सरकार को जिम्मेदार अगर ठहराया जा रहा है या फिर सरकार से अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक है उनका ये भी मानना है कि जनता भी उतनी ही भागीदार है जितनी की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सबसे पहले गंगा की सफाई करने से पहले हमें अपनी सोच की सफाई करनी होगी। और अगले दर्शक राम प्रसाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आपकी क्या राय रहेगी? मैडम, गंगा माँ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है जी। हम सबकी जिम्मेदारी है माँ गंगा को साफ करना जी। देश की सरकार धीरे धीरे सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी मतलब पहचान को समाप्त करने में लगी हुई है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई माँ गंगा भी है, सरकार के बल पे अगर हम लोग रहेंगे तो यह बचने वाली नहीं है। इसके लिए जन आंदोलन बनाकर हम सभी लोगों को माँ गंगा को साफ करने के लिए अपना सहयोग करना पड़ेगा जी। जब तक जन सहयोग नहीं होगा, जब तक जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक माँ गंगा कभी साफ नहीं हो सकती जी। मेरा अपना जो विचार है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं खुद इंसान को अपनी जिम्मेदारी भी सोचनी चाहिए, क्योंकि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, पवित्र नदी है। माना जाता है कि गंगा एक पवित्र नदी है, माना जाता है कि गंगा में अगर डुबकी लगा लिए तो समझो सारे के सारे पाप धुल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि गंगा नदी जो अब इतनी गंदगी में पड़ी हुई है, जहां पर गंदगी लगातार फैल रही है, विलुप्त तो होने के कगार पर आ चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? अक्सर सरकारों को इस चीज के लिए जिम्मेदार मान लिया जाता है, लेकिन हमें खुद भी सोचना चाहिए कि जितनी की सरकार जिम्मेदार है उतनी ही जनता भागीदार है, जो कि अपने तौर पर एक व्यक्तिगत तौर पर गंगा की नदी की सफाई का जिम्मा नहीं उठा पाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।